करी ने कहा कि जोशी ने पार्टी के हित में अपनी मर्जी से इस्तीफा दिया है और अब यह विवाद पूरी तरह से खत्म हो गया है। उन्होंने कहा कि मोदी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होंगे और पार्टी के लिए कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। सूत्रों का कहना है कि नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में संजय जोशी के बने रहने को लेकर नाराज थे। उन्होंने आलाकमान से कह दिया था कि अगर जोशी कारिणी में बने रहेंगे तो वो न सिर्फ मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे बल्कि पार्टी के लिए भी काम करना बंद कर देंगे। इसके बाद संजय जोशी को पार्टी में दोबारा लेकर आने वाले गडकरी बैकफुट पर आ गए। संजय जोशी जी ने खुद होकर पार्टी में कोई विवाद उत्पन्न नहीं होना चाहिए इसलिए बड़ा दिल करके उन्होंने अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी के निमंत्रण सदस्य का इस्तीफा दिया है।